खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी एक कमरे में क्या कर रहे हैं। जी हाँ, हम आपको बताएंगे भी और ये भी दिखाएंगे कि काजल राघवानी कितनी मस्ती कर रही हैं और खेसारी लाल यादव और फिर बादशाह खान, जो कि इन दोनों के कॉमन फ्रेंड हैं, ये सब एक कमरे में क्या कर रहे हैं। काफ़ी दिनों बाद ये दोनों मिले हैं, बात कर रहे हैं और ऐसे में काजल राघवानी ने अपनी खुशी का इजहार किया कि खेसारी लाल यादव से उनका पैचअप हो चुका है फाइनली। जो कई खबरें आ रही थी उन पर नॉनस्टॉप आ रही थी, उन पर ब्रेक लगा दिया गया है। तो आपको बता दें, काजल राघवानी और खेसारी लाल यादव एक कमरे में कर क्या रहे थे। एक कमरे में ये दोनों बैठकर अपने जो बीच में कलह थी, जो इश्यूज थे, उनको सॉल्व किया। साथ ही इन दोनों के बीच में एक जो पैचअप करवाया गया है, बताया जा रहा है कि फिल्म के डायरेक्टर लिट्टी चोखा के फिल्म के डायरेक्टर पराग पाटिल ने और इन दोनों के कॉमन फ्रेंड बादशाह खान ने करवाया। जी हाँ, और ये भी बताया जा रहा है कि अब ये दोनों पहले जैसे ही जिस तरह से हंसी मजाक करके सेट पे रहा करते थे वैसे ही है। हाँ, आप में से काफ़ी लोग ये जानना चाहते हैं कि फिल्म में श्रुति राव भी हैं कि नहीं, तो हम आपको बता दें कि फिल्म में श्रुति राव भी हैं। वो सेकंड लीड की एक्ट्रेस हैं। बहुत सारे लोग ये जानने के लिए उतावले हो रहे थे क्योंकि ये न्यूज़ हमने ही बनाई थी कि श्रुति राव खेसारी लाल यादव के साथ लिट्टी चोखा में नज़र आएंगी एज अ हीरोइन। जी हाँ, वो सही खबर है, एज अ हीरोइन नज़र वो भी आएंगी, लेकिन सेकेंड लीड हीरोइन नज़र आ रही हैं और काजल राघवानी उनके साथ। हमने आपको पिक भी दिखाया कि किस तरह का गेटअप लिया है खेसारी लाल यादव ने काजल राघवानी के साथ इस फिल्म के लिए। बहुत ही फैंस खुश हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे मैसेजेस शेयर कर रहे हैं क्योंकि इनमें खुशी की लहर फिर से दौड़ पड़ी क्योंकि काजल राघवानी और खेसारी फिर से अब आपको कई फिल्मों में और कई प्रोजेक्ट्स में दिखेंगे। कि सबसे सफल जोड़ियों में से एक है काजल राघवानी और खेसारी लाल यादव।